पूरे साउथ बिहार को जो है वो जोड़ने का काम करेगा। या आने में लोगों को इलाज कराने में लोगों को जो है दिक्कत नहीं होगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी से कुछ देर पहले ही हमने आपको एक खबर बताया था जिसमें कहा था कि तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली से बुलावा आया है, और दिल्ली से बुलावा आया है उस मंत्री के द्वारा जो मोदी मंत्रिमंडल में काफ़ी खास है, नितिन गडकरी, और परिवहन मंत्री हैं, सड़क योजनाओं को लेकर बिहार में आए थे, रोहतास और बक्सर में उनका दौरा था, और उसी दरमियान तेजस्वी की मुलाकात हो गई उनसे, और जब मुलाकात हुई तो बहुत सारे बातचीत हुई। नितिन गडकरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम तेजस्वी जी को चाहेंगे कि हमारे यहाँ आए, हमारे पास एक कार है, उस कार से हम उनको घुमाना चाहते हैं, कैसे इथेनॉल से वो कार चलती है, और इस तरह की योजनाओं को अलग अलग जगहों पर लगाया जाना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव से कई बातें कहीं और कई वादे भी कर दिए, लेकिन तेजस्वी यादव भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि जब मंत्री जी बिहार आए हैं तो बिहार के लिए वो काम करेंगे, और साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बुलावे को लेकर भी अपनी बातों को रखा है। पूरे बयान को सुन लीजिए। रोहतास से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तेजस्वी यादव मंच से कैसे ऐलान कर रहे हैं और भाजपा नेताओं के बुलावे पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है उनकी। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है वो गोरखपुर से बक्सर तक का एक्सटेंशन हो चुका है, हमारी मांग है और मुख्यमंत्री जी भी इच्छुक है कि बक्सर से भागलपुर तक कर दिया जाए तो काफी जो है दिल्ली जाने में लोगों को कम समय मिलेगा और पूरे साउथ बिहार को जो है वो जोड़ने का काम करेगा। और हम चाहेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा नदी पे अगर कोई पुल बन रहा है तो वो पटना से कच्ची गंगा पुल बन रहा है, जो नागपुर जो हमारा क्षेत्र है, लगभग 5,000 करोड़ की लागत से वो विश्व का सबसे नदी पर बड़ा पुल बन रहा है। तो हम चाहेंगे कि कच्ची गंगा से एम्स पटना तक एलिवेटेड सड़क निर्माण एनएच का ये अंश है, काफी यातायात के दबाव के कारण जो इसमें काफी हमेशा जाम की स्थिति रहती है जिससे एम्स जाने में लोगों को कठिनाई होती है। तो हमारी मांग ये भी रहेगी कि एलिवेटेड अगर सड़क वहां मिल जाए तो लगातार लोग जो है एम्स का या आने में लोगों को इलाज कराने में लोगों को जो है दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ हम मांग करेंगे कि एनएच विकास हेतु एडिशनल बैंक ऑफ सैंक्शन उपलब्धता कराना की मांग हम करते हैं राज्य सरकार द्वारा। अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386